नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ विवाह कब होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है। मेरे कई सब्सक्राइबरों ने यह पूछा है कि विवाह कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा या होने वाला लाइफ पार्टनर कैसा होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने हाथ में कि विवाह कब होने की संभावना रहती है ज्यादा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुरु की उंगली के नीचे गुरु का पर्वत जो है, ये वाला एरिया। तो गुरु पर्वत का झुकाव जितना ज्यादा शनि की ओर होगा, मतलब शनि के पर्वत की ओर इस ओर इस तरह से झुकाव होगा, उतना ज्यादा जो है लेट विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब देरी से विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का विवाह लगभग 26 से 28 साल के बीच में होता है और लड़कों की अगर बात करें तो लगभग 30 से 35 साल के बीच में होता है। अगर ये झुकाव इस ओर ना हो, अगर ये झुकाव इस ओर हो तो लड़कियों में लगभग 18 साल से लेकर 22 साल में विवाह हो जाता है और लड़कों में लगभग 25 से 28 साल के बीच में विवाह हो जाता है। तो विवाह का समय जो है सिर्फ इस एरिया से ही हम जान सकते हैं। अब जो चले जाते हैं लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो लाइफ पार्टनर के लिए सबसे पहले हम जो देखते हैं बुध की उंगली के नीचे जो ये रेखा बनती है इसको, तो ये रेखा जितनी साफ और सीधी होगी वो मतलब उनका जो लाइफ पार्टनर उतना ही ज्यादा आज्ञाकारी, रिस्पेक्टफुल और केयरफुल होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा केयर करने वाला होगा। अगर लाइफ लाइन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, इसमें कोई भी दूसरी रेखा ना काटती हो या जरूरत से ज्यादा मोटी ना हो, तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा अच्छा बन जाता है। अब अगर इस रेखा का झुकाव हृदय रेखा की ओर हो तो ऐसा लाइफ पार्टनर जो होता है वो काफी डोमिनेटिंग होता है। ये जरूरत से ज्यादा अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर प्रभाव डालता है और बहुत ज्यादा एक तरह से कह लीजिए कि मानसिक रूप से यातनाएं देना या जिसे कह लीजिए मेंटल टॉर्चर करना, इस तरह की चीजें होती हैं। अगर यही रेखा, मैं फिर से दिखाता हूं, अगर यही रेखा यहां से निकलते हुए बिल्कुल सूर्य की उंगली की ओर जाए, जितना ज्यादा सूर्य की उंगली की ओर जाए या सूर्य की उंगली से जाकर टच हो जाए, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का लाइफ पार्टनर काफी फेमस होता है, नेता, अभिनेता या समझ लीजिए किसी सरकारी नौकरी में उच्च पदस्थ किसी व्यक्ति के साथ विवाह होना, और साथ ही साथ शादी के बाद इनका भी जो है जीवन एक फेमस व्यक्ति की तरह ही बन जाता है। अगर यही लाइफ पार्टनर की रेखा ऊपर की ओर उड़ जाए तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति का जो विवाह होता है जिस लाइफ पार्टनर से, उन लोगों से जो है विच्छेद हो जाता है, मतलब वो या तो इनको छोड़ के चले जाते हैं, डिवोर्स नहीं होता लेकिन या तो इनके इनसे दूर रहते हैं कामकाज के सिलसिले में, ज्यादातर अक्सर इन दोनों के बीच में दूरियां बनी रहती है, या फिर लाइफ पार्टनर जो है वो बिल्कुल ही इन्हें त्याग करके चल जाता, डिवोर्स नहीं होता। अब चले जाते हैं कि विवाह कहाँ पर हो सकती है। तो सबसे पहले विवाह कहाँ पर हो सकती है, मतलब अपने हिसाब से होगी या आपके पेरेंट्स के हिसाब से होगी, तो सबसे पहले उसके लिए देख लेते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा जो है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरह से निकलती हुई अधूरी होनी चाहिए। तो जितनी यह अधूरी होगी उतना ही ज्यादा लव मैरिज के चांसेस, यानी आपके मर्जी के हिसाब से मैरिज के साथ चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यही रेखा ऊपर की ओर कंप्लीट बन जाए बृहस्पति और शनि की उंगली के बीचों बीच, तो ये चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाता है। अगर यही रेखा यहाँ पर इस तरह से विष्णु चिन्ह बनाता हो तो ऐसे अवस्था में चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं लव मैरिज के, या शनि की उंगली के नीचे इस तरह का विष्णु चिन्ह बने तो भी विवाह जो है अपनी मर्जी से हो सकता है। अगर मंगल के जगह पे अंदरूनी मंगल में कोई भी ऐसी रेखाएं जो है जो डिस्टर्ब ना करती हो, बिल्कुल साफ हो, तो भी अपने मर्जी से अपने पसंद के व्यक्ति से आपका विवाह हो सकता है। इसी प्रकार अगर
कोई रेखा मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच इस तरह से निकलती हो, आड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, तो विवाह आपके हिसाब से मतलब नहीं होगी। आपके पेरेंट्स जिससे चाहेंगे उसी से विवाह होगी। और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल क्लीन हो, ज्यादा दूर तक यहां तक ना गई हो, तो लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर मस्तिष्क रेखा यहां तक आई हो, इस एरिया तक, तब तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा माना गया है, लेकिन उससे आगे नहीं जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि विवाह के बाद जीवन कैसा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारी शनि की उंगली है उसके बिल्कुल स्ट्रेट नीचे इस जगह पर, इस जगह के बाद से मस्तिष्क रेखा अगर स्मूथ और क्लीन हो, किसी भी तरह का क्रॉस या किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, तब विवाह के बाद जीवन काफी उत्तम जाने वाला है। साथ ही साथ अगर जीवन रेखा में भी इस रेखा के मतलब इसके ठीक नीचे शनि की उंगली के नीचे जो एरिया, सीधी रेखा अगर हम काल्पनिक रेखा देख लें, खींच लें, तो उस हिसाब से इस रेखा के बाद से ये जो जीवन रेखा जितनी साफ और क्लीन होगी, पतली होगी, उतना ही ज्यादा अच्छा इन लोगों का दाम्पत्य जीवन होता है। विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ ये लोग लीड करते हैं। साथ ही साथ अगर सूर्य की उंगली के नीचे कोई रेखा ना हो, बिल्कुल सूर्य की उंगली के नीचे का जो ये पर्वत है, ये वाला पर्वत बिल्कुल क्लीन हो, इसमें भी विवाह जो है खुद की मर्जी से होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। तो दोस्तों, ये था विवाह कब, कैसे और किस तरह के व्यक्ति के साथ हो सकती है, और विवाह के बाद आपका दाम्पत्य जीवन कैसा जाएगा, उस विषय में। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।